भोजपुरी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस अक्षरा आज सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है। हालांकि इस दफा वजह अच्छी नहीं है। भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह के MMS को लेकर लीक होने की खबरें सामने आई है। वीडियो वायरल होने के बाद अक्षरा सिंह का एक रोते हुए वीडियो सामने आया। वीडियो में वो रो रो कर अपना दर्द बयां करती हुई नजर आ रही है। बता दें कि आखिरकार इस वीडियो की सच्चाई क्या है। भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह किसी पहचान की मोहताज नहीं। अक्षरा अपने टैलेंट के दम पर हर दिन कामयाबी की नई सीढ़ियां चढ़ती जा रही हैं। एक तरफ अक्षरा अपने काम में बिजी चल रही हैं, तो दूसरी ओर उनके फेक MMS वीडियो वायरल कर दिया गया है। YouTube पर कई वीडियोज ऐसे हैं जो अक्षरा सिंह MMS लीक के नाम से फेक खबरें चला रहे हैं। पहली बात, अक्षरा सिंह का किसी भी तरह का कोई वायरल वीडियो नहीं हुआ है, इसलिए इस तरह के वीडियो को बिल्कुल हवा ना दीजिए। यकीन करना मुश्किल है, पहले लोगों ने अक्षरा के फेक MMS की खबरें उड़ाई और इसके बाद खबर को 2 साल पुराने वीडियो से जोड़ दिया। अक्षरा सिंह का वीडियो मौज म्यूजिक भोजपुरी नामक YouTube चैनल पर पोस्ट किया गया। वहीं वीडियो लगभग 1 मिनट का है, जिसमें अक्षरा कह रही है कि तंग करके रख दिया है। एक्ट्रेस ने कहा, जो मुझे पसंद करते हैं वो मुझे पसंद करते ही हैं, चाहे मैं जहां भी जाऊं, जहां भी काम करूं, आप नहीं रोक सकते, अपना काम करिए। अगर आपका बहुत बड़ा नाम है तो अपना नाम करिए, काम करिए। चेहरे पर एक नकली चेहरा मुखौटा लगाकर घूमते हैं आप लोग, रियल बनिए, फेक मत बनिए। आगे बात करते हुए अक्षरा कहती हैं कि सिर्फ हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में ये गंदगी क्यों होती है, और भी तो इंडस्ट्रीज़ हैं। पंजाबी इंडस्ट्री है, बॉलीवुड है, साउथ की इंडस्ट्री है, कई सारी इंडस्ट्री है, और हमारे साथ ही ऐसी चीप ट्रिक्स या फिर चीपनेस क्यों यूज़ की जाती है। एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं, इसको ब्लॉक मारो, उसको ब्लॉक मारो, उसका गाना आगे नहीं आना चाहिए, वो कलाकार आगे नहीं आना चाहिए, ये सब क्या है। वीडियो में अक्षरा सिंह ने रोते रोते जो बात कही वो सभी के दिल तक पहुंची है। बहरहाल आपको बता दें कि अक्षरा ने साफ मना कर दिया है कि ये वीडियो उनका नहीं है, तो आप इस तरीके के उनके ऊपर इल्ज़ाम ना ही लगाएं तो बेहतर होगा। कमेंट के जरिए आप हमें ज़रूर बताएं आपका क्या कहना है इस बारे में। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो को।